हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। होप यू आर ऑल वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं अबाउट स्कोप एंड स्कोप चेन इन जावास्क्रिप्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट स्कोप चेन, ये कैसे बनता है और ये कैसे काम करता है, स्कोप क्या होता है और टाइप स्कोप इन जावास्क्रिप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्कोप इन जावास्क्रिप्ट। अगर स्कोप की जनरली बात करें किसी भी लैंग्वेज में, तो स्कोप वो कॉन्सेप्ट होता है जिससे कोई वेरिएबल अपने कोड में एक्सेसिबल या नॉन एक्सेसिबल होता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे कोड में कुछ वेरिएबल्स किसी रीजन में अवेलेबल रहते हैं और किसी रीजन में नॉन अवेलेबल रहते हैं। ये किस कारण होता है? स्कोप के कारण होता है। कोई भी लैंग्वेज अपने वेरिएबल का स्कोप डिफाइन कर देती है। अब स्कोपिंग क्या प्रोसेस होती है? स्कोपिंग सिंपल वही प्रोसेस होती है जिससे अपनी लैंग्वेज किसी वेरिएबल को स्कोप डिफाइन करती है। अब जावास्क्रिप्ट क्या फॉलो करती है? जावास्क्रिप्ट फॉलो करती है लेक्सिकल स्कोपिंग। लेक्सिकल वर्ड का मीनिंग सिंपल होता है, पैरेंटल या हायरार्कल एक्सेस स्ट्रक्चर। अगर कोई ब्लॉक अपने कोड में, तो वो अपने पैरेंट के सारे ब्लॉक के सारे वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाता है। सिंपली लेक्सिकल स्कोपिंग का ये मतलब होता है। इसे हम क्लियर करेंगे कोड एग्जांपल के थ्रू। फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं स्कोप क्या होता है एंड टाइप ऑफ स्कोप इन जावास्क्रिप्ट। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्कोप इन जावास्क्रिप्ट: ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप एंड ब्लॉक स्कोप। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहला है ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप सिंपल होता है, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर किसी वेरिएबल को हम विदाउट एनी फंक्शन या विदाउट एनी ब्लॉक डिक्लेयर कर देते हैं, तो ये थ्रू आउट द कोड एक्सेसिबल रहेंगे और ये ग्लोबल स्कोप में रहेंगे। अगला है फंक्शन स्कोप। अगर किसी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो फंक्शन के अंदर अवेलेबल रहते हैं। इससे ही हम फंक्शन स्कोप कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ एज डिक्लेयर कर रखा है इक्वल टू 30 और यहाँ एज प्रिंट कर रखा है, ये तो एक्सेसिबल होगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर हम वार से एक MOD डिक्लेयर कर रखा है जिसकी वैल्यू जुलाई है और ये सब आउट ऑफ द फंक्शन एक्सेस कर रहे हैं, तो ये एक रेफरेंस एरर देगा, क्योंकि MOB सिर्फ अपने फंक्शन के अंदर अवेलेबल रहेगा, आउटसाइड द फंक्शन इट इज़ नॉट अवेलेबल। चलिए आगे देखते हैं ब्लॉक स्कोप। ES6 के कारण अब जावास्क्रिप्ट में कि कोई सा भी ब्लॉक अपना भी स्कोप बना लेता है। जैसा कि हमने यहाँ एक const t डिक्लेयर किया if ब्लॉक के अंदर, तो ये सिर्फ इसके अंदर एक्सेसिबल रहेगा। जैसा कि हमने यहाँ एक्सेस करने का ट्राई किया है, तो ये एक रेफरेंस एरर है। लेकिन हमें एक ध्यान देने की ज़रूरत है, ब्लॉक स्कोप सिर्फ एप्लीकेबल होता है const और let वेरिएबल्स के लिए। var वेरिएबल्स के लिए वैलिड नहीं रहता, क्योंकि var वेरिएबल्स फंक्शन एंड ग्लोबली स्कोप्ड रहते हैं, ब्लॉक स्कोप्ड नहीं रहते हैं। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे डिफरेंस बिटवीन वार लेट एंड कॉन्स्ट वाली वीडियो देख के आएँ, इससे यह बात आपको क्लियर होगी। जैसा कि हमने यहाँ टी को एक्सेस करना चाहा है, तो ये एक रेफरेंस एरर है। वहीं वार वेरिएबल्स क्या होता है, ये ग्लोबल या फंक्शनली स्कोप्ड हो जाएगा और ये ब्लॉक के बाहर भी एक्सेसिबल रहेगा। तो यहाँ पे हमें नो एरर देखने को मिल रहा है अगर हम वाई को एक्सेस करना चाहें। तो ये तो बात होगी थ्री टाइप्स स्कोप इन जावास्क्रिप्ट। अब हम जानते हैं कैसे ये स्कोप्स काम करते हैं और स्कोप चेन कैसे बनता है। तो चलिए आगे देखते हैं स्कोप चेन कैसे बनता है इस कोड एग्जांपल के थ्रू। तो इस कोड एग्जांपल में हमने क्या कर रखा है, एक कंट्री बनाई है कॉन्स्ट से जिसकी वैल्यू है इंडिया, ये ग्लोबल स्कोप में है। फिर फंक्शन ने बनाया स्टेट, ये भी ग्लोबल स्कोप में है। इसमें हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे UT इक्वल टू फॉल्स, नेम इक्वल टू उत्तर प्रदेश। फिर इफ ब्लॉक के अंदर जो कि ट्रू है, हमने कैपिटल डिक्लेयर कर रखा है लखनऊ। फिर स्टेट फंक्शन के अंदर ही हमने एक नया फंक्शन बनाया सिटी नाम का, इसमें हमने डिक्लेयर कर रखा है सी इक्वल टू लखनऊ। फिर एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रखी है जिसमें हमने एक्सेस किया है सी को, फिर नेम को एक्सेस किया है, फिर कंट्री को एक्सेस किया है। तो हम ये वाली स्टेटमेंट वेरीफाई करेंगे, क्या ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है या एक यहाँ पे एक रेफरेंस एरर आता है। इसे हम स्कोप चेन कैसे बनता है और ये स्टेटमेंट वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो फिर सबसे पहले जैसे ही कोड एग्जीक्यूट होना चालू होता है, सबसे पहले बनता है ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप बनते ही एक वेरिएबल ग्लोबल स्कोप में आता है जिसकी वैल्यू है इंडिया और उस वेरिएबल का नाम है कंट्री, ठीक है। इस एग्जाम्पल को हमने सिंपल रखने के लिए सिर्फ वेरिएबल्स के साथ स्कोप डिस्कस किया है, आगे के एग्जाम्पल में हमने फंक्शन के साथ भी स्कोप डिस्कस किया है। तो चलिए फिर से देखते हैं, ग्लोबल स्कोप बना, उसमें कंट्री आई और उसकी वैल्यू है इंडिया। फिर कोड आगे एग्जीक्यूट हुआ तो स्टेट नाम का फंक्शन आया,
और जैसा कि हम जानते हैं जावास्क्रिप्ट में फंक्शन भी अपना स्कोप बनाते हैं, तो एक नया स्कोप बनेगा और देखते हैं इसमें क्या क्या वेरिएबल अवेलेबल रहेंगे। तो जैसे ही कोड एग्जीक्यूट हुआ, नया स्कोप बना स्टेट नाम का, जिसमें वेरिएबल्स है यूटी और नेम। जाहिर सी बात है हमने यहाँ पे उसे डिक्लेयर कर रखा है तो ये एक्सेसिबल रहेंगे, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि कंट्री भी एक्सेसिबल है स्टेट स्कोप में। ये कैसे हुआ? ये हुआ लेक्सिकल स्कोपिंग के कारण। जैसा कि ग्लोबल स्कोप के अंदर स्टेट फंक्शन डिक्लेयर्ड है, तो ग्लोबल स्कोप स्टेट स्कोप का पैरेंट स्कोप बन गया। अब हमने क्या बताया था, लेक्सिकल स्कोपिंग क्या फॉलो करते हैं, पैरेंटल या हायरार्किकल एक्सेस स्ट्रक्चर। तो अपने चाइल्ड स्कोप में जितने भी पेरेंट रहते हैं उनके सारे वेरिएबल एक्सेसिबल रहते हैं। तो जैसा कि ग्लोबल स्कोप का चाइल्ड है स्टेट स्कोप, तो ग्लोबल स्कोप क्या करेगा, अपना कंट्री भी अवेलेबल करा देगा स्टेट स्कोप में, इसलिए हमें यहाँ पे कंट्री इक्वल टू इंडिया एक्सेसिबल रहेगा। चलिए और कोड आगे एग्जीक्यूट होगा तो उसे एक फंक्शन मिलेगा, उसे एक इफ ब्लॉक मिलेगा, सॉरी, जिसमें हमने कैपिटल डिक्लेयर कर रखा है लखनऊ। फिर एक फंक्शन मिलेगा सिटी नाम का, तो सिटी नाम का फंक्शन से एक नया स्कोप बनेगा। तो इसमें क्या क्या अवेलेबल रहेगा, इसका सी तो एक्सेसिबल रहेगा ही। अब पैरेंटल स्कोप के कारण क्या होगा, स्टेट स्कोप का भी सारे वेरिएबल एक्सेसिबल रहेंगे और ग्लोबल स्कोप के कारण भी सारा कंट्री नाम का वेरिएबल भी एक्सेसिबल रहेगा सिटी नाम में, सिटी फंक्शन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सी एक्सेसिबल है, यूटी एक्सेसिबल है, नेम एक्सेसिबल है और कंट्री तो एक्सेसिबल है ही, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि जितने भी इस स्टेटमेंट में हमने वेरिएबल्स लिए हैं वो सारे अपने स्कोप में अवेलेबल हैं। सी अवेलेबल है, नेम अवेलेबल है और कंट्री अवेलेबल है, इसलिए ये वाली लाइन कोई रेफरेंस एरर नहीं देगी और ये प्रिंट करेगी आई लिव इन लखनऊ उत्तर प्रदेश एंड माई कंट्री इज इंडिया। ये रेफरेंस एरर कोई नहीं देगी और ये स्टेटमेंट बिल्कुल फाइन काम करेगी। चलिए एक बार देख लेते हैं ये इफ ब्लॉक का स्कोप कैसे बनेगा। तो ये देखिए, जैसा कि इसको स्टेट स्कोप के अंदर है इफ ब्लॉक, तो ये सारा अपना स्कोप लेगा पेरेंट यानी स्टेट स्कोप के से। तो इसमें कैपिटल हमने इफ ब्लॉक के अंदर तो कैपिटल डिक्लेयर कर ही रखा था, तो ये तो एक्सेसिबल रहेगा ही। फिर लेक्सिकल स्कोपिंग के कारण कंट्री अवेलेबल है और यूटी और नेम अवेलेबल है। अब ये बात ध्यान देने वाली है कि कैपिटल एक्सेसिबल नहीं रहेगा सिटी में, क्योंकि सिबलिंग स्कोप में एक्सेस नहीं होता है जावास्क्रिप्ट में, सिर्फ लेक्सिकल स्कोपिंग फॉलो करती है जावास्क्रिप्ट। तो ये बात हो गई कैसे स्कोप चेन बनती है और ये कैसे काम करती है और वेरिएबल एक्सेस कैसे मिलेगा सारे स्कोप को। आगे हम देखते हैं कैसे कॉल स्टैक के साथ काम करती है स्कोप चेन। सो लेट्स सी कॉल स्टैक और स्कोप चेन एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करती हैं, इसे हम समझेंगे कोड एग्जांपल के थ्रू। इसे एक बार देख लेते हैं। इसमें हमने ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर कर रखा है ए इक्वल टू हेलो, फिर फर्स्ट फंक्शन को कॉल कर रखा है। फर्स्ट फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। इसमें बी डिक्लेयर कर रखा है दिस इज, फिर सेकेंड फंक्शन को कॉल कर दिया है और यह सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन के अंदर ही है। सेकेंड फंक्शन में हमने सी इक्वल टू कोडिंग ज्ञान डिक्लेयर कर रखा है, फिर थर्ड को कॉल कर रखा है। थर्ड जो है ग्लोबल स्कोप के अंदर है और इसमें हमने डी को डी इक्वल टू यूट्यूब चैनल डिक्लेयर कर रखा है और फिर हमने प्रिंट किए चारों वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। चलिए एक बार हम इसे कॉल स्टैक और स्कोप चेन के थ्रू देखेंगे क्या ये स्टेटमेंट वैलिड है या फिर कोई रेफरेंस एरर देती है। चलिए जैसे ही कोड एग्जीक्यूट हुआ तो हमने यहाँ पे कॉल स्टैक बना दिए हैं पहले ही, एक बार इसे देख लेते हैं। सबसे पहला ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, तो इसमें क्या क्या अवेलेबल रहेगा, ए अवेलेबल रहेगा क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप में, फर्स्ट अवेलेबल रहेगा और थर्ड अवेलेबल रहेगा क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप में है, ठीक है। फिर फर्स्ट के एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या अवेलेबल रहेगा, बी अवेलेबल रहेगा और फंक्शन सेकेंड अवेलेबल रहेगा क्योंकि हमने सेकेंड को फर्स्ट के अंदर डिफाइन कर रखा है। फिर सेकेंड का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में सिंपली सी अवेलेबल रहेगा और थर्ड का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में डी इक्वल टू यूट्यूब चैनल अवेलेबल रहेगा। चलिए देखते हैं इसका स्कोप चेन बना के। सबसे पहले बना ग्लोबल स्कोप, इसमें ए इक्वल टू हेलो अवेलेबल है, फर्स्ट इक्वल टू फंक्शन अवेलेबल है, थर्ड इक्वल टू फंक्शन अवेलेबल है। फिर बनेगा फर्स्ट का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्ट, सॉरी फर्स्ट का स्कोप बनेगा, इसके अंदर क्या अवेलेबल रहेगा, b इक्वल टू दिस इज और सेकेंड इक्वल टू फंक्शन।
अब लेक्सिकल स्कोपिंग के कारण अपने पेरेंट का भी स्कोप इसमें अवेलेबल रहेगा, इक्वल टू हेलो, फर्स्ट इक्वल टू फंक्शन और थर्ड इक्वल टू फंक्शन, ठीक है। फिर फर्स्ट का स्कोप बनने के बाद सेकंड का स्कोप बनेगा, जैसा कि सेकंड का पेरेंट है फर्स्ट, तो फर्स्ट के नीचे आएगा सेकंड फंक्शन का स्कोप। तो इसमें क्या क्या अवेलेबल रहेगा, सी इक्वल टू कोडिंग ज्ञान, क्योंकि हमने सेकंड के अंदर ही इसे डिफाइन कर रखा था। फिर लेक्सिकल स्कोपिंग के कारण फर्स्ट का सारे स्कोप वेरिएबल अवेलेबल रहेंगे और ग्लोबल स्कोप का सारा वेरिएबल अवेलेबल रहेगा। अब जो थर्ड फंक्शन है ये कहाँ थी, ग्लोबल स्कोप में थी, तो इनका पेरेंट क्या होगा, ग्लोबल स्कोप ही होगा, देखते हैं एक बार, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या अवेलेबल रहेगा, P इक्वल टू यूट्यूब चैनल अवेलेबल रहेगा और लेक्सिकल स्कोपिंग के कारण ग्लोबल स्कोप का सारा वेरिएबल्स एंड फंक्शन एक्सेसिबल रहेंगे। A अवेलेबल है, फर्स्ट अवेलेबल है और थर्ड अवेलेबल है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे A और D सिर्फ अवेलेबल है, B एंड C इज नॉट अवेलेबल। देयरफॉर जो हमारे प्रिंट स्टेटमेंट है वो एक रेफरेंस एरर देगी, क्योंकि B एंड C आर नॉट एक्सेसिबल। और जैसा कि हमने पहले बताया था, सिबलिंग स्कोप में स्कोप का एक्सचेंज नहीं होता है, देयरफॉर सिर्फ जावास्क्रिप्ट पेरेंटल स्कोप फॉलो करती है, देयरफॉर द प्रिंट स्टेटमेंट विल गिव द रेफरेंस एरर। सो गाइस, इस वीडियो में हमने जाना कैसे स्कोप चेन बनती है, ये कैसे काम करती है और कॉल स्टैक के साथ ये कैसे काम करती है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल। थैंक यू।